मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। अब दूसरा चैप्टर। अब इसमें से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। अब आर्ट क्ले वर्क, इसमें से पहला टॉपिक ये है आर्ट क्ले वर्क। ह्यूमन के रिलेशन कैसे क्ले से है सिंस एंशियंट टाइम। अब रज के दूसरे पेपर में, गाला के पहले पेपर में और मार्बल के पहले और तीसरे पेपर में। आप देख ही सकते हैं 4 बार पूछा गया, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैन और क्ले का रिलेशन क्लोजली एसोसिएट है एंशियंट टाइम से। मैन और क्ले का गहरा संबंध है पहले से ही। द होल लाइफ ऑफ मैन रिवॉल्व्स अराउंड इट फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव। जो होल लाइफ थी मैन की वो पूरी इसके आजू बाजू ही मन रहती है जब से उसका निर्माण हुआ है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मेटल, मेटल के इन्वेंशन से पहले जो क्ले थिंग्स थी वो ज़्यादा मात्रा में यूज़ होती थी। वो यूज़ होती थी टॉयज बनाने में, पॉट्स बनाने में, फीचर्स बनाने में, अर्थन लैंप्स, क्ले स्टॉप, ये सब बनाने में यूज़ होती थी। और पोटर्स इसका यूज़ करते थे कि स्टोर ग्रेन करने के लिए, मिल्क करने के लिए, घी, कर्ड, बटर मिल्क। और मैक्सिमम जो किचन आइटम्स थे, वेयर्स थे, वो सब इसी के बने होते थे। जो हाउस थे वो प्लास्टर किए जाते थे बाय पेस्ट ऑफ काउडंग और क्ले के। वी हैव गोट मैनी क्ले यूटेंसिल ऑफ रेड कलर दैट बिलोंग टू अर्थ। हमको बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिली हैं जो रेड कलर यूटेंसिल मिली है जो लोथल से बिलोंग करती है, मोहनजोदारो और हड़प्पा कल्चर एंशिएंट टाइम। जो पॉटल व्हील्स है वो सबसे बेस्ट डिवाइस है क्ले वर्क बताने के लिए जो एंशिएंट इंडिया में था। इन प्रेजेंट टाइम ऑल्सो, आज के ज़माने में भी हम देख सकते हैं जो पॉटल व्हील्स था वो सबसे बेस्ट डिवाइस है क्ले वर्क दर्शाने के लिए इंडिया में। अब आज के ज़माने में भी हम देख सकते हैं जो गरबा होता है नवरात्रि के समय, उसमें बीच में एक पॉट रख दिया जाता है जिसके अंदर लैम्प होता है, अर्थन लैम्प, और उसके आजू बाजू सब नाच गरबा परफॉर्म करते हैं। अब इसमें से एक टेराकोटा डिफाइन भी पूछ लिया जाता है। इंडिया वॉज फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग द बेक यूटेंसिल और बेक क्ले एज वेल एज अनबेक क्ले। जो बेक जो एकदम पका हुआ यूटेंसिल होता है और एक अनबेक क्ले, दोनों का ही यूज़ होता था इंडिया में, उसको टेराकोटा कहते हैं सिंस एंशिएंट टाइम। अब आर्ट ऑफ वीविंग, आर्ट ऑफ वीविंग, द आर्ट ऑफ वीविंग, द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग स्मॉल पीसेस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स एंड जॉइनिंग देम। इस आर्ट ऑफ स्पिनिंग। अब गांधी जी ने इसको बहुत बढ़ावा दिया था। वो अपने घर पे ही अपना कपड़ा बना लेते थे, स्वदेशी चीज़ों का यूज़ करते थे वो, और दूसरे जो फॉरेन चीज़ें होती थी उनका यूज़ नहीं करते थे। अब हैंड वीविंग, पुराने ज़माने से ही इंडिया को अपने टेक्सटाइल के लिए बहुत जाना माना माना गया है। इट इज़ वेल नोन दैट द होल पीसेस ऑफ क्लोथ ऑफ अ पर्टिकुलर साइज एंड फाइन मुस्लिम ऑफ ढाका कुड ईजली पास थ्रू अ रिंग। ऐसा कहा गया है जो वूल पीस है क्लोथ की ऑफ पर्टिकुलर एक साइज की, मुस्लिन ढाका में बनाया जाता है जो बांग्लादेश का फेमस कपड़ा है, वो पास हो सकता है एक रिंग से एंड कुड भी, और वो एक मैच बॉक्स में भी रखा जा सकता है। मोर एवर द कारपेट गलीचा ऑफ सर्वल रीजन, नाइटिंग वर्क ऑफ अटायर्स एंड आर्टिस्ट्री ऑक्यूपाई अ प्रोमिनेंट प्लेस। उनका एक अच्छा सा जगह है। अमंग्स देम पटोला ऑफ पाटन बहुत फेमस है, कंजीवारम एंड बनारसी साड़ीज, बांधनी राजस्थान की, ये सब यूनिक आइडेंटिटी है इंडिया की।
अब ऐसा ही पूछ सकते हैं, जो पटोला पाटन है ये सब पूछते हैं। ड्यूरिंग द गोल्डन पीरियड ऑफ सोलंकी एरा, सोलंकी एरा के समय जो गुजरात था वो बहुत इस हैंड वीविंग में बहुत प्रोग्रेस किया था। ड्यूरिंग द रेंज ऑफ सिद्धराज जयसिंह के समय मैनी आर्टिस्टियन अपने इंडिया में आए और पाटन में सेटल हो गए। द पटोलोस ऑफ पाटन बिकम वर्ल्ड फेमस, जो पटोलोस ऑफ पाटन था वो बहुत वर्ल्ड फेमस हो गया ड्यू टू देयर स्किल के वजह से। जो आर्ट ऑफ पाटन है वो 850 साल से भी पुराना है। ओनली हैंडफुल ऑफ आर्टिसन हैव द स्किल फॉर सच अ कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमर आर्ट, कुछ ही आर्टिसन के पास ऐसी कला है कि जो इसको बना सकते हैं। जो सिल्क वेयर बनता है भिवाड़ी प्रोड्यूस इन पाटन, पाटन में प्रोड्यूस होता है, उसको पटोला ऑफ पाटन कहा जाता है। इक्त मीन्स वीविंग, इक्त का मतलब होता है वीविंग, और वो टाइप ऑफ ऐसी टाइप ऑफ साड़ी होती है जो दोनों साइड से पहना जा सकता है। द टाइप ऑफ पटोला वैरायटी हैज़ गुड ड्यूरेबिलिटी, उसकी अच्छी ड्यूरेबिलिटी होती है, उसका ओरिजिनल कलर हमेशा ही रहता है कभी, और उसको ऐसे रेफरेंस में बोलते हैं गुजरात में, एक पड़ी पटोड़े भात फाटे पण फीटे नहीं। द डिज़ाइन लेड डाउन इन पटोला शैल नेवर फेड, जो डिज़ाइन होता है वो कभी फीका नहीं पड़ता है, अगर क्लोथ भी फट जाए तो। अब लेदर इंडस्ट्री, ये मार्वल के चौथे पेपर में पूछा गया है। स्किन ऑफ डेड एनिमल्स वॉज यूज फॉर वेरियस पर्पस इन इंडिया, जो स्किन्स थी डेड एनिमल्स की वो यूज़ की जाती थी बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए इंडिया में। एनिमल के मरने के बाद उसकी स्किन को ऐसे प्रोसेस में दिया जाता था ट्रेडिशनल मैनर में। लेदर वॉज प्रोमिनेंटली यूज फॉर मेकिंग मशक, प्रमुखता से, प्रोमिनेंटली मतलब प्रमुखता से यूज़ किया जाता था मशक बनाने में। जो आपने देखा होगा जो बॉटल रखने के लिए एक मशक बनाया जाता है उसको कहते हैं मशक, लेदर बैग होता है जिसमें पानी रखा जाता है। एंड कॉस ड्रामा ड्रम ढोलक तबला ये सब भी बनाए जाते हैं लेदर का यूज़ करके। वेरियस टाइप ऑफ फुटवेयर, लेदर बेल्ट्स टू टाई एनिमल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेदर का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। लेदर वॉज यूज टू प्रिपेयर शील्ड, लेदर का यूज़ इसलिए भी होता था कि शील्ड बनाने के लिए, जो कि वॉर के टाइम पे यूज़ होता था। अब अकीक वर्क, ये मार्वल के सेवन्थ पेपर में पूछा गया था, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अकीक इज अ काइंड ऑफ प्रीसियस स्टोन, ये प्रीसियस स्टोन है जो कि रिवर वैली में पाया जाता है। इट इज़ चीफली चेल्कोडोनिक मिक्स विथ सिलिका ब्लू और वाइट स्टोन, ये चीफली एक मिक्सचर है जो कि एक चेल्कोडोनिक स्टोन होगा और पत्थर, सिलिका मतलब पत्थर होता है, वाइट और ब्लू स्टोन। कार्नेलियन इज़ द मेन स्टोन विथ सेमी, जो कार्लिनियन होता है वो सबसे मेन स्टोन होता है और सेमी ट्रांसपेरेंट क्वालिटी एंड ब्यूटीफुल रेड इन कलर, ब्यूटीफुल रेड कलर में होता है। गुजरात में वेरियस प्रीसियस स्टोन आर गिफ्ट आर अवेलेबल इन बिग एंड स्मॉल साइज, गुजरात में बहुत सारे बड़े और छोटे प्रीसियस स्टोन हैं जो रणपुर और सूरत में पाए जाते हैं। ऑल दिस स्टोन खंबात में भेज दिए जाते हैं ये सब स्टोन्स टू माउल्ड इंटू द वेरियस ब्यूटिफुल ऑर्नामेंट्स, कि उससे कुछ अच्छे ऑर्नामेंट्स बन सके, फिर उस पर अलग अलग डिजाइन बना सकें। बीड्स एंड गार्लैंड्स ऑफ स्टोन आर प्रिपेयर बाय देम, जो बीड्स और गार्लैंड्स होती है स्टोन की वो इसी से प्रिपेयर की जाती है। अब ये संगीत माकरण, ये मार्वल के आठवें पेपर में किया दिया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तभी मैं पढ़ा देता हूँ। म्यूज़िक स्कॉलर नारद थे, उन्होंने संगीत माकरण लिखी थी।
900 BC में, और उसमें ये डिस्क्राइब किया गया है 19 वीनस और 101 रिदम उसमें लिखे गए हैं, जो कि आज भी यूज़फुल है। संगीत रत्नाकर, ये गाला के छठे पेपर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही जाता है। द राइटर ऑफ दिस टेक्स्ट, जो इसके राइटर थे वो पंडित सारंगदेव थे, जो कि दौलताबाद में रहते थे, इसकी वजह से वो लोग वो फेमिलियर थे दोनों साउथ और नॉर्थ नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक से, वो जो कि दौलताबाद में रहते थे, इसके वजह से दोनों टाइप की म्यूज़िक से वाकिफ थे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने उनको पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे हैं, उन्होंने संगीत रत्नाकर को सबसे अच्छी बुक बताई है जो कि म्यूज़िक पे है। संगीत रत्नाकर इज़ बिलीव टू बी यूनिक इन अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इंडिया एस्पेक्ट ऑफ म्यूज़िक सॉरी। अब ये अमीर खुसरो पूछ लेते हैं, इसका डिफाइन पूछ लेते हैं, मार्वल दसवें पेपर में दिया है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे टैलेंटेड अमीर खुसरो वॉज वेरी फेमस, अमीर खुसरो बहुत फेमस थे, उनकी कंट्रीब्यूशन म्यूजिक और पोएट्री दोनों में जानी जाती है, और उनको इसीलिए वजह से टूटे ए हिंद कहा जाता था, जो पैरट ऑफ इंडिया नाम से जाने जाते हैं इंडियन हिस्ट्री में। अब इतना आप लिख सकते हो। अब कथकली, कथकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाला के पाँचवें पेपर में पूछा गया। कथकली दिस स्टाइल ऑफ आर्ट डांस इज़ वेरी फेमस इन केरला, ये टाइप का डांस केरला में बहुत फेमस है, और जो वर्ड कथकली है वो डेराइव है वो ड्रामास जो बेस थे एपिक नारायण एपिक रामायण और महाभारत, और मिक्स ड्रामा जो कि संस्कृत और मलयालम लैंग्वेज में थे। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस आर्ट वेयर ब्यूटीफुल प्लेटेड आयर, जो इसमें के जो कैरेक्टर्स थे जो इस डांस में परफॉर्म करते हैं वो बहुत अच्छा अटायर्स पहनते हैं। वी हैव टू रीड देयर फेशियल एक्सप्रेशन टू रिकॉग्नाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टर, अब हम लोग को इनका फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ना पड़ता है कि उससे हमको पता चल जाए कि क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। जो मुकुट वो लोग पहनते थे बहुत आर्टिस्टिक था, वो बहुत मस्त। द कैरेक्टर्स परफॉर्म हिज हर डांस विथ फेशियल एक्सप्रेशन, वो जो कैरेक्टर्स उसमें परफॉर्म करते हैं वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से करते हैं, और हैंड से पोजेस ऑफ हैंड से क्या इंट्रोड्यूस करते हो त्रिलोक का डांस। दे केम फ्रॉम इन फ्रंट ऑफ कर्टेन, कर्टेन में आते हैं वो लोग, पर्दा लगा होता है, विद द लाइट ऑफ अर्धन लैम्प ओनली, अर्धन लैम्प खाली अर्धन लैम्प के लाइट होती है उधर मौजूद होती है। जो पोएट हैं श्री वल्लथोड़, उन्होंने फाउंड किया था कलम कालामंडलम कथकली, कालामंडलम कृष्णा प्रसाद शिवराम ये सब ग्रेट पोएट्स हैं, जो कि इन्होंने कथकली का नाम रोशन किया है नेशन वाइड और वर्ल्ड वाइड। अब ड्रामेटिक आर्ट, ड्रामेटिक आर्ट गाला के चौथे पेपर में पूछा गया है, मार्वल के 8th क्वेश्चन में पूछा गया है 8th पेपर में। अब देखो यहाँ से आप टिक कर सकते हो। ड्रामेटिक आर्ट इज एन एमलगेशन ऑफ ऑल आर्ट, हम ऐसा कह सकते हैं जो ड्रामेटिक आर्ट है वो सारे आर्ट का मिक्सचर है, और इसी के कारण जो भारत मुनि ने कहा था गाला के तीसरे पेपर में ऐसा पूछ सकते हैं, भारत मुनि ने ड्रामेटिक आर्ट के बारे में क्या कहा था। देयर इज़ नो बुक, देयर इज नो स्कल्पचर, देयर इज नो नॉलेज, देयर इज नो डीड विच इज़ लैकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट, ऐसी कोई बुक नहीं है, ऐसा कोई स्कल्पचर नहीं है, ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है जो कि ड्रामेटिक आर्ट में कमी है, सारी चीज़ ड्रामेटिक आर्ट में मौजूद हैं। जो फर्स्ट ड्रामा था भारत मुनि वॉस देवासुर संग्राम, क्या था देवासुर संग्राम,
इन संस्कृत लिटरेचर वी हैव वेरियस वेल नोन रेमेडीज। संस्कृत लिटरेचर में बहुत सारे वेल नोन, बहुत जाने माने हस्ती हैं जो कि रेमेडीज में फेमस है। भास इज द पोएट ऑफ पोएट्स अमंग देम। जो भास हैं वो सबसे पोएट्स के भी पोएट्स थे वो। ही हैज बिक्यूड बिक्यूडर, बिक्यूडर का मतलब वसीयत था। अस ड्रामा लाइक, हमको वसीयत में दिया है उन्होंने ड्रामा लाइक कर्णभार और उरुभंगा धूट वटकम बेस ऑन द महाभारत। ये महाभारत पे बेस है ये तीन ड्रामा, कर्णभार रोमंगा और दूत वाक्यम। अब वेरियस जो कालिदास थे फोरमोस्ट पोएट थे जिन्होंने हमको गिफ्ट किया है अभिज्ञानम शकुंतलम विक्रमोश्रियम माल विकागिन मित्रम। ये सब जो कालिदास ने ये सब लिखा है, ये सब ड्रामा है बहुत फेमस है जो संस्कृत लेवल में संस्कृत लिटरेचर में इनका बहुत नाम है। अब भवाई, भवाई ब्रज के पहले पेपर में पूछा गया है। जो स्क्रिप्ट राइटर थे भवाई के, उन्होंने इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा कहा था भवाई को। ये स्पेशल ड्रामेटिक आर्ट है जो कि 700 साल से पहले से भी आ रहा है, जो कि असेट ठक्कर ने लिखा था। दिस आर्ट विच हैज़ बीन प्रोवाइडिंग पब्लिक एजुकेशन, ये आर्ट से हमें पब्लिक एजुकेशन मिलता है अलॉन्ग विथ एंटरटेनमेंट भी मिलता है सस्ते दामों में इकोनॉमिकल। प्रोमोटेड ड्यूरिंग सोलंकी एरा के समय में ये बहुत जाना माना जाता था। इट वॉज चीफली परफॉर्म विदाउट कर्टन्स, बिना पर्दे के परफॉर्म किया जाता था ये। विद द लाइट ऑफ ह्यूमर हास्य भाव एंड विद द म्यूजिक प्लेइंग ट्रम्पेट, ट्रम्पेट बजा के कैरेक्टर्स डिस्क्यूज इन द फॉर्म ऑफ रामदेव झंड झूलम कजोड़ा एक्सेट्रा आर द मेन फीचर्स। ये सब मेन फीचर्स थे भवई के। द थीम ऑफ भवई इंक्लूड प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल वाइसेस, सोशल जो सामाजिक वायलेंस होता है उससे बचाने के लिए विरोध में भवाई को इसका थीम था भवाई का बचने के लिए। जो कैरेक्टर्स थे रंगला रंगली यूज टू प्रमोट द प्रोग्राम्स लाइक गर्ल एजुकेशन एंड द सेव गर्ल चाइल्ड। जो रंगला रंगली कैरेक्टर्स थे उन्होंने प्रमोट किया था प्रोग्राम लाइक गर्ल्स को एजुकेशन मिले और सेव द गर्ल चाइल्ड, गर्ल को बचा सके। अब ये गरबा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रज के फिफ्थ पेपर में पूछा गया है। द वर्ड गरबा इज डेराइव फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप, जो गरबा वर्ड है वो डेराइव हुआ है गर्भदीप वर्ड में से। अब अर्दन लैम्प इज प्लेस इन अ होल्ड अर्दन पोर्ट, डांसर कीप इट इन ऑन देयर हेड। अब ये अर्दन लैम्प होता है जो कि गरबा में यूज होता है, उसके अंदर एक लैम्प रख दिया जाता है जो कि डांसर रखते हैं उनके हेड पे, सिर पे रखते हैं और सर्कल में मूव करके डांस करते हैं। और ये परफॉर्म होता है नवरात्रि फेस्टिवल में गुजरात के ऑल पार्ट्स में। गुजराती पीपल परफॉर्म एंड सिंग टू गरबा, जो गुजराती पीपल हैं वो परफॉर्म करते हैं और गरबा गाते हैं टू प्रे आदिशक्ति जो गॉडेस ऑफ पावर हैं मदर जगदम्बा को। और जनरली ये परफॉर्म होता है ओपन ग्राउंड में और सर्कल में करते हैं, मंडवी कहते हैं इसको, मंडवी कैप्ट इन द सेंटर ऑफ ग्राउंड। जो हर्दन पॉट होता है वो बीच में रखा जाता है, फिर उसके आजू बाजू सब नाचते हैं और हैंड्स ऐसे तालियां बजाते हैं और ड्रम्स की आवाज़ करते हैं। जो गुजराती पोएट्री है गरबा और गरबी वो कृष्णा भक्ति से चीफली एसोसिएटेड है, पूरी कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई है। जो गुजराती पोएट है दयाराम, उन्होंने गुजराती में बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। विच मैचडे लेडीज सिंग द कलरफुल एंड इमोशनल गरबी ऑफ लॉर्ड कृष्णा लव, ये पूरा कृष्णा लव पे बना हुआ है। अब ये ख़त्म हो गया मेरा सेकेंड चैप्टर।